पापा जी आ गए, बहुत भूख लगी हुई है। उधर तूने पापा जी को खाना है? ओ माँ जी, मैं पापा जी को खाने के लिए बुला रहा हूँ। तो इसका मतलब तो यही है ना कि तूने पापा जी को खाना है। ओ माँ जी, अरे वाह, तुम लोग खाना क्या साथ लेकर आए? नहीं पापा जी, आपकी बीवी ने इंतजाम किया। अरे वाह बेटा, तुमने बड़ी जल्दी खाना बना लिया। नहीं नहीं, बबलू मैंने ऑर्डर किया है। क्या? तो पापा जी आप सारी बातें छोड़े, ये ले बिल खाने का। नहीं नहीं बाबा जी, ये तो हमारी टिकटों का और टैक्सी का बिल है। 60,000 रुपए? क्या बाकी पैसेंजरों का किराया तुम लोगों ने दिया? नहीं नहीं पापा जी, हमने तो बहुत ही सस्ती और घटिया एयरलाइन की बिजनेस क्लास में सफर किया। क्या? ओ पापा जी, हिसाब किताब बाद में हो जाएगा, आप खाना शुरू करें। नबील, तुम लोगों ने रिटर्न टिकट नहीं लिए थे? लकड़ लकड़। ओ पापा जी, रिटर्न टिकट की क्या जरूरत थी? नबील, वापस भी तो जाना होगा ना। ओ लेकिन जानू, जब जाना होगा तब देख लेंगे यार। हैं? हाँ पापा जी, हमने सुना है कि अगर एक महीना पहले टिकट करवाओ ना तो बहुत सस्ती पड़ती है। महीना पहले? हाँ पापा जी, आप फिक्र ना करें, हमने जब भी जाना होगा आपको एक महीना पहले बता देंगे। वश वश। अभी तो पापा जी हमने लाहौर भी घूमना है, क्यों जानू? हाँ वो तो है। मैं तो कहती हूँ पुत्र, हम गर्मियों की छुट्टी में ना मरी भी जाएंगे। अरे मरी क्या मोमो, मैं तो इस दफा तुम्हें नारान और कहान भी लेके जाऊंगा। अरे अभी तो गर्मियों में 4-5 महीने हैं। कोई बात नहीं पापा जी, हम रुक जाएंगे। हमारी कौन सा कराची में नौकरी लगी हुई है? और क्या? क्या हुआ बबलू, आज अपने खाना पेट भर के नहीं खाया क्या? खा लिया भाई। तो फिर आपका इतना मुंह क्यों लटका हुआ है बबलू? तुमने सुना नहीं, उन घटिया लोगों ने 4-5 महीने रहने का प्रोग्राम बना लिया है। वैसे एक बात कहूँ बबलू, आपको इन लीचर लोगों में अपनी बेटी की शादी करनी नहीं चाहिए थी। अरे मैंने कहा की यह शादी उसने खुद कर ली। क्या? हाँ। मैं आपकी जगह होती ना बबलू, तो इस हरकत के बाद अपनी बेटी की शक्ल तक ना देखती। अरे बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से बबलू? हाँ, तुम ही तो सबको यहाँ पे लेकर आई हो और अब तुम ही सबको बाहर निकालोगी। मैं कैसे निकालूंगी बबलू? मुझे नहीं पता, ये तुम खुद सोचो। अरे क्या कर रही हो भाई? सोच रही हूँ बबलू। हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बबलू। क्या? इन लोगों को इस घर से डरा के निकाल देते, कैसा बबलू? अरे ये बड़े ही ढीठ लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। भूल गई, एक दफा इनको रू से डराने की कोशिश की थी, वो नबील और महमूद रू को ही पटाने चल पड़े थे। एक काम करते हैं बबलू, इस बार इन्हें चुड़ैल से डराते हैं। अरे भाई अब मैं चुड़ैल कहाँ से लाऊं? मैं हूँ ना बबलू। तुम मुंह धोकर उनके सामने जाओगी? नहीं बबलू, आप इनको ये कह के डराइएगा कि मेरे ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है। अरे चुड़ैल नहीं भाई, जिनका। अरे जिनका साया, तुम्हें दौरे भी पड़ते हैं। मुझे दौरे कब पड़ते हैं बबलू? अरे झूठ मूठ के भाई। हाँ ठीक है बबलू, अब आप मेरी एक्टिंग देखिएगा। अगर वो ढीठ फिर भी ना गए तो? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए बबलू, मैं उनको ऐसा डराऊंगी कि बगैर टिकट ही कराची भाग जाएंगे। हाँ आंटी, बॉल दे दे। आंटी प्लीज बॉल दे देना। मैं बॉल नहीं दूंगा, तुम दोनों को खा जाऊंगा। जानू अच्छा ही हुआ मैं यहाँ आ गया, चलो इस बहाने थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। कराची में तुमने कौन सा बैठ के पत्थर तोड़ लेने थे? जानू 24 घंटे घर में रहना पत्थर तोड़ने से कम है क्या? वैसे बाय द वे जानू, तुम्हें मेरी तकलीफ का जरा भी ख्याल नहीं है। शट अप नबील। क्या हुआ चांदी, तुम क्यों रो रही हो? ओए, तूने मेरी बेटी को मारा है? नहीं यार नबील। तो फिर ये रो क्यों रही है? नबील इस घर में भूत है। भूत? हाँ मम्मा, हमने लॉन में देखा है यार। मम्मा मुझे घर जाना है। नबील ये क्या बोल रहे हैं? और जानू कुछ भी नहीं है यार, तुम्हारे पापा जी को देख लिया होगा। नहीं नबील, वहाँ पे भूत है यार। नबील ये दोनों झूठ नहीं बोलते, हो सकता है इस घर में वाकई कोई भूत हो। अच्छा नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, हम 1-2 महीने रहेंगे ना तो आपकी भूत से दोस्ती हो जाएगी। क्या फजूल बातें कर रहे हो नबील, तुम्हें अपनी बेटी का जरा ख्याल नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरा ख्याल नहीं है, तुम लोग चाहते नहीं हो कि मैं सुकून से छुट्टियां गुजार सकूं। नहीं रीसा शहर लौट दिया, लौर लौरे। अरे आप
यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? आपका रंग खराब हो जाएगा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है आपका गला खराब है। गला क्या, आपकी तो किस्मत ही खराब है, वरना आप जैसी हसीन और जवान लड़की उस बुड्ढे खूसट से शादी ना करती। वैसे आपको पछतावा तो होता होगा ना इस फैसले पर? क्यों? अरे अपनी से बड़ी उम्र के आदमी से शादी जो कर ली आपने, बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने में कोई मुजायका नहीं है। मैं भी आपसे कुछ 4-5 साल तो बड़ा होऊंगा, लेकिन खूबसूरत और हैंडसम होना क्या ख्याल है आपका? लगता है आप थोड़ा थोड़ा कुछ रोमांटिक मूड में है। आप इधर आ गया और पास आ। कहीं मोमो तो नहीं देख रही? आ गया। अरे क्या कर रही है? क्या कर रही है? कुछ देख लेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे ना, मुझे छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे। मैं तुझे खा जाऊंगा। जरा खाइएगा, मैं आपके हलक में अटक जाऊंगा। अरे छोड़िए, आप इतनी बेताब क्यों हो रही है? चलिए। यार महबूस साहब, क्या हो गया आपको? यार कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या है? बेताब तुम्हें बुला रही है। यार महबूस साहब, आदमी को इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सासू माँ कैसे लाडिया करती है मुझसे। बहुत बहुत है ना। यार आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, उड़ने वाला सांप लग रहे हैं आप। चले तुम जाओ। हाँ मैं जाता हूँ। जाओ। आप मुझे याद कर रही थी? मैं नहीं, तुझे तेरी मौत ने याद किया है। जानू, जानू बोलता है मुझे। नहीं, 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 वो तो मैं अपनी बीवी को बोल रहा था। आज तो मैं तेरी बीवी को बेवा कर नहीं, आप मुझे रंडवा कर दे। माँ जी आप दोनों इस तरह कांप क्यों रहे हैं? पुत्र मुझे लगता है इन दोनों को ठंड लगी है। शाबाश, तू जाके ना जल्दी से गरम गरम सूप बना के ला मेरे वास्ते। आपके लिए क्यों? इसलिए कि मुझे ठंड ना लगे। अरे हमें ठंड नहीं, डर लग रहा है। अरे ठंड से? ओ नहीं, उस बेताब से। बेताब से? हाँ जानू, बेताब के ऊपर जिन है। हाँ मोमो, उसने मुझे ना गले से पकड़ के मारा है। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं यार? जानू हम सच बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता उसने हम दोनों का क्या हाल किया है। उस डैन की ये हिम्मत, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नहीं मोमो, तुम मत जाना, उसके ऊपर बहुत खतरनाक जिन है। छिंडो जी, मैंने बड़े बड़े जिन निकाले, अभी झाड़ू से ना उसका जिन निकाल के आपकी अम्मारी, 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 अम्मारी। जिन के बच्चे, तूने मेरे मियां को मारा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। खून तो तेरा मैं पीऊंगा। ओ चल यार, चल उस बार, चल दुनिया नहीं है बबल। मैं इसीलिए तुम लोगों को साथ नहीं लाना चाह रहा था। आपको पहले से पता था पापा? मैंने इसीलिए तो घर बदला था। पहले मुझे लगता था कि जिन घर में, लेकिन जिन तो बेताब पर। आप भी तो इतने तावले हो रहे थे ना फरूकी साहब, कि आपने एक जिन से शादी कर लिया है। मोमो, जिन तो शादी के बाद में आया। बाबा जी, आप वो जिन वाली औरत को छोड़े यार। अरे कैसे छोड़ दूं, वो मुझ पर आशिक है। इसका मतलब है वो अंधा जिन है। हाँ माँ जी, इसीलिए तो जिन ने इतनी अन्नी बचाई हुई है यार। पापा आपको उस औरत के साथ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। अरे बेटा कुछ नहीं हो सकता, मैंने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। पापा जी आपने अच्छा नहीं किया, हम जैसे अच्छे लोगों के होते हुए भी आपने सारी जायदाद एक जिन के नाम कर दी। पापा अब क्या करें हम?
भाई देखो ना, तुम लोगों का तो बच्चों का साथ है, हैं? मेरा ख्याल है कि तुम लोग अब वापस कराची चले जाओ। पापा जी आप एक काम करें, हमारी ना शाम की फ्लाइट करा दें। जानू तुम तैयारी शुरू करो। अरे भाई खूबसूरत को क्यों लेकर जा रहे हो, इसको मेरे पास ही रहने दो। क्यों पापा जी? देखो ना मेरे पास भी कोई होना चाहिए ना, नहीं तो अकेले में मुझे डर लगेगा। हाँ भाई खूबसूरत मेरे पास ही रहेगी, मैं तुम लोगों की टिकट करा देता हूँ। चलो खूबसूरत मोमो चलो सामान पैक करते हैं। बिल्कुल हिम्मत करो आओ। चल पुत्र हमने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है, तू भी सारी तैयारी कर ले। हाँ नबील अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ना ये सोच क्या रहा है तू है? मैमू साहब कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है कराची वापस चलते हैं। मैमू साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या पुत्र जी? हमारी जहाँ खौफ से हालत खराब है और पापा जी हमें भेज रहे हैं। हाँ तो फिर वो खूबसूरत को क्यों रोक रहे? ओए दफा कर पुत्र, मरने दे उसको इधर। मैं कराची जाके तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, कैसा? ओ माँ जी आप समझ नहीं रही। नबील तुम कहना क्या चाह रहे हो यार, साफ साफ कहो। ओ यार पापा जी हमारी जान बचा रहे हैं, खूबसूरत की जान क्यों नहीं बचा रहे उस जिन से? ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा था लेकिन फिर मैं भूल गई। इसका मतलब है नबील के पापा जी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं महमूद साहब। वो मोटा हमें घर से निकालने के लिए नाटक कर रहा था। हाँ जी उसकी ये हिम्मत। महमूद साहब पापा जी हमारे साथ गेम कर रहे थे, अब हम उनके साथ गेम करेंगे। अब पुत्र हम तो उनके साथ सिर्फ रेसलिंग ही खेल सकते हैं। नहीं माँ जी उनके साथ मैं इससे भी अलग गेम खेलूंगा। अरे लेकिन तुम करोगे क्या बताओ तो सही। महमूद साहब जरा उस मोटे को आने दे। क्या मौसम है लाहौर का है जी? बड़ा प्यार भरा मौसम है। अरे नबील बेटा। जी पापा जी। बड़ी मुश्किलों से टिकट हुई है, मैंने शाम की फ्लाइट कराई है, पैकिंग वगैरह कर ली है ना? नहीं पापा जी। जल्दी करो भाई यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। पापा जी मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूँ कि आपको एक जिन के पास छोड़ के ऐसे चला जाऊँ। क्या? अरे भाई मेरा क्या है, मुझे तो अब जिंदगी भर उसी के साथ गुजारा करना है। नहीं पापा जी नहीं नहीं नहीं, हम आपको इस तरह छोड़ कर नहीं जाएंगे। नहीं नबील ऐसा मत कहो, मैं मैनेज कर लूंगा। खूबसूरत बेटा तुम समझाओ ना इसे। नहीं पापा मेरे ख्याल में नबील ठीक ही कह रहा है। हाँ पापा या तो आप भी हमारे साथ चलें या हम भी नहीं जा रहे यहाँ से। ये हमारा आखिरी फैसला है पापा जी। अरे बेटा वो जिन बहुत खतरनाक है, तुम लोगों को मार डालेगा। ओ पापा जी आप फिक्र ना करें, हमने उस जिन का इलाज ढूंढ लिया है। ना पुत्र उस जिन को बीमारी क्या है? ओ माँ जी तोड़ जिन का तोड़। कैसा तोड़? अरे पापा जी हमने जिन भगाने के लिए लाहौर के मशहूर बाबा जी को बुला लिया दादा दरबार से। क्या? हाँ वो साइकिल पे आ रहे हैं, साइकिल वाले बाबा। साइकिल वाला बाबा? हाँ जी माँ जी आप लोग चले अंदर चले। मैं लेके आ रहा हूँ माँ जी। बाबा जी कहाँ रह गए? पुत्र ये बाबा जी की शक्ल मुबारक तेरे अब्बा जी से कितनी मिलती है ना? ओ माँ जी आप तो चुप ही करना। जिन कहाँ है? ये है जिन। नहीं नहीं मैं जिन नहीं हूँ। ये जिन नहीं है, ये जिन लगते हैं दिल के बहुत अच्छे हैं। तो फिर जिन कहाँ है? जिन ऊपर है। जाओ जानू जिन को बाहर निकालो। माँ जी आप भी साथ जाएं। ओके पुत्र आजा पर कन्ना, हम जिन को कमरे से बाहर निकालते। नबील। जी बाबा जी। जी बाबा जी है, चादर बिछाओ। अरे नबील इनको तुम्हारा नाम कैसे पता चला? अरे ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। मैं साइकिल पर कहीं भी पहुंच जाता हूँ। रोज बुलबुले देखते हैं 7 बजे। अच्छा ओ पापा जी आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं यार, चले ना। आए बाबा जी। चलो चलो चलो। छोड़ दो मुझे, मैं तुम लोगों को कच्चा खा जाऊंगा। चुप रे बकैरत, इधर बैठ जा। बाबा
रवीर, ये बाबा जी क्या छिड़क रहे हैं? मेरे ख्याल में ना बाबा जी जो है वो आबे जमजम छिड़क रहे हैं पापा जी। अच्छा, किसी के पास माचिस है? क्यों बाबा जी, आपने इधर सिगरेट पीना है? नहीं बच्चा, मैंने इस जिन पे जो पेट्रोल छिड़का है उसमें आग लगानी है। क्या? नहीं नहीं, मैं जिन नहीं हूँ, जिन नहीं हूँ। चुप, हर जिन यही बोलता है बच्चू। हाँ, जब तू जल के मरेगा ना तब तुझे पता चलेगा। यहाँ से इन लोगों को भगाने के लिए आपने मुझे झूठ मूठ का जिन बनाया था। क्या पापा? पापा जी, आपने हमें घर से निकालने के लिए ऐसी घटिया चाल चली। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना, मैं कोई जिन बन नहीं हूँ। प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। ओ महमूद साहब यार, आप तो उठे ना, चाहे दाढ़ी मूछ उतारे। वो जो उतारनी है वो दाढ़ी और मूछ है। हाँ जी। नहीं, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबू।